कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा ग्राहक मिल जाता है जो आपको बहुत परेशान करता है। आपकी दुकान है और आप टैली पर बिल बनाते हैं और वो बराबर आपसे उधारी ले जाता है और आप कुछ कह भी नहीं पाते घर के बगल के होने के नाते। और अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए टैली में जिससे कि उसका बिल ही ना कट पाए, एंट्री ही ना पास हो पाए, तो कैसे ये करेंगे? चलिए देखा जाए एक बार। यहाँ पर सबसे पहले हमको स्टॉक आइटम तो हमने बना ही लिया है, हम चलेंगे और यहाँ से एक नया बनाएंगे। तो क्रिएट पे चलते हैं, ठीक है, और क्रिएट पे चल के लेजर पे चलेंगे। आ गए, अब यहाँ पर क्या नाम है आपका? AFAPLAK, यही है ना? क्रेडिटर है? नहीं, डेटर है, डी। ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ सन्ड्री डेटर के ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो ये सन्ड्री डेटर कर लेते हैं और यहाँ पर ये यस करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, ये जो दिया ना स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, हम इनको 500 रुपया से ज्यादा का सामान नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे, 500 रुपया, ठीक है। अब ये सेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आते हैं, चलते हैं सेल्स वाउचर में, क्योंकि इसी की एंट्री हमें पास करनी है, डेटर पार्टी की एंट्री तो सेल्स वाउचर में ही होगी, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, वो डेट आएगी और यहाँ पर आ जाते हैं, रेफरेंस नंबर डाल देते हैं जो भी है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और ये यही है ना, अब ये जो है बहुत परेशान करता है आदमी, ठीक है, हमेशा फ्री में सामान ले जाता है उधार में, तो इसकी उधार, इसका उधार बंद कराना है। तो आप सीधा सीधा जाइए, दिखाइए, कहिए कि देखिए हमारे यहाँ तो एंट्री ही नहीं पास हो पा रही है आपके नाम से, ठीक है। अपलग डाल दिया है, अब यहाँ पे जो भी है, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है अनिक ही है, ठीक है, और ये किसी भी गोडाउन से हम लेंगे। ये देखिए यहाँ पे साकेत नगर में है, तो यहाँ पे ये 1 किलो हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। और 1 किलो की कीमत क्या है, जैसे मान लीजिए बेचने वाला रेट है 750 रुपये, ये डाल दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब यहाँ पे GST भी आएगा, तो अभी आप सोचेंगे कि आपने क्रेडिट लिमिट सेट किया था 500 रुपये, तो कैसे ले रहा है? तो देखिए यहाँ पे GST भी लगाते हैं और यहाँ पे SGST भी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लीजिए एंट्री पास हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो क्रेडिट लिमिट सेट करने का यही मतलब है कि आप जो है इस तरह के लोगों से अपना बचाव कर सकिए, ठीक है। ये सेट कर दिया, अब इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, 500 से कम आप दे सकते हैं इनको, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, कुछ और आइटम, स्टॉक आइटम लेते हैं, कोई और में है देखना पड़ेगा, ये मेन लोकेशन में है। 1 किलो ले लेते हैं, ले लिया, 124 रुपये का रेट है, 1 किलो ही देंगे, तो 1 किलो तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है, 1 किलो आपको इनको सेल करने देगा, ठीक है। लेकिन 500 से ज्यादा अमाउंट जैसे ही होगा वो 1 भी रुपया सेल नहीं करने देगा। हो गया, ठीक है, अभी तो 1 किलो यहाँ पे हो गया, लेकिन दोबारा अगर 1 किलो सेल कर दिया तब क्या होगा, ये भी एक देखने वाला मैटर है। या 2 किलो सेल कर दिया तो, ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। और यही था, ये बहुत बदमाश आदमी है, हमेशा आपके यहाँ से उधार ले जाता है, ठीक है। ये हो गया, कह रहा है 130 रुपया बैलेंस हो गया है, सावधान रहिएगा, ऊपर दिखा रहा है ना, ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वापस आते हैं, तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पल्स वापस लेंगे, ठीक है। तो ये पल्स है, और इस बार क्या करते हैं, मेन गोडाउन से 3 किलो लेते हैं, 3 किलो उठाते हैं, 3 किलो, ठीक है। और 124 रुपये के हिसाब से 372 रुपये हो गया, तो क्या एक्सेप्ट करेगा ये? अब CGST SGST भी तो लगेगा, CGST हो गया और SGST भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर करके SGST लगा दीजिए, ये SGST हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, 500 से ज्यादा हो गया, अब नहीं देगा, ठीक है, 520 रुपये 80 पैसे हो गया। तो इस तरीके से आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, समझ में आ गया, ये भी एक नई चीज थी, ठीक है।